द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के चुनाव 2018 के लिए संयुक्त सचिव पद हेतु मोहम्मद याकूब अधिवक्ता ने नामांकन किया। अधिवक्ताओं के लिए कुछ अलग कर गुजरने की बात को कहकर मोहम्मद याकूब अधिवक्ता ने बताया कि मैं हमेशा से लोगों की मदद के लिए और किसानों की मदद के लिए रात दिन कार्य करता हूं और वर्तमान में भारतीय किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष हूं और हमेशा आम जनता के बीच जाता हूं। जीतने पर संगठन बना के सरकार से आम जनता की मांग रखने की बात कही। आइए आपको ले चलते हैं मुरादाबाद कोर्ट कंपाउंड में, जहां नामांकन प्रक्रिया की गई जिसमें कई वरिष्ठ अधिवक्ता गण मौजूद रहे। बार एसोसिएशन। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद याकूब एडवोकेट है। जी सर, आपने नॉमिनेशन भरा है तो आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? यस, मैंने बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के लिए संयुक्त सचिव के लिए मैंने नॉमिनेशन किया है और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में अगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, भगवान के या ऊपर वाले के हुक्म से मैं जीत करके बार में पहुंचा तो अपने सीनियर्स के लिए, अपने साथियों के लिए, मान सम्मान के लिए काम करूँगा और कचहरी में जो आए दिन के लिए परेशानियाँ हैं उन परेशानियों से मैं निजात दिलाऊँगा। मैं ये भी कोशिश करूँगा कि जो मेरे जैसे साथी हैं जिनकी मालूमात में कुछ कमी रहती है, अगर अल्लाह ताला ने मुझे वो मौका दिया, भगवान ने मुझे वो मौका दिया, तो मैं अपने सीनियरों के मशवरे से अपने सीनियरों को साथ लेकर के बार में महीने में कम से कम एक बार क्लास जरूर लगवाया करूँगा, जिससे मेरे जैसे आदमी को सीख करके अच्छे वकील बन पाए। आगे की मेरी रणनीति ये रहेगी कि मुरादाबाद का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में होए, मुरादाबाद के वकीलों का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर रहे और मुरादाबाद का वकील अगर कहीं भी जाकर के किसी भी आर्गुमेंट्स के लिए खड़ा हो जाए तो मुरादाबाद के वकील की आर्गुमेंट्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट के वकील सुने, ये मेरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। सर, आप वकील के एथिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो एथिक्स में कहीं ना कहीं वो हो रहा है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उसी के लिए मेरी कोशिश रहेगी कि वकील साहब का जो मान सम्मान और रेपुटेशन आए दिन डाउन हो रही है कि उस रेपुटेशन को हम वापस लाएंगे और हमारे अंदर जो कमियां हैं हम उन कमियों को दूर निकाल करके समाज के सामने जाएंगे, ये हमारी कोशिश है। सर, आम जनता डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाती, उनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बड़े लोग तो मिल जाते हैं, तो सर आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे? हम ये कोशिश करेंगे अगर हम बार में पहुंचे और मैं कमेटी में पहुंचा तो अपने सीनियरों के मशवरे से एक कमेटी गठित कराकर यहाँ पर बार एसोसिएशन लाइब्रेरी की कमेटी गठित कराकर और पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक टीम लेकर के मैं घूमने का काम करूंगा। जी सर, तो सर आप आम जनता आपसे कनेक्ट हो पाएगी। सर, आप ऐसा भी कुछ करेंगे जिससे कि आप लोगों को ये विश्वास दिला सके कि आप उन्हीं में से हैं और उन्हीं के लिए? यस, मैं ये कोशिश करूंगा कि कम से कम फीस में मैं उनका काम करूंगा और ज्यादा से ज्यादा उन्हें अच्छा काम करके दिखाऊंगा और उनके बीच हमेशा अगर कोई परेशानी होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, किसान लेवल पे, क्योंकि मैं बता दूं आपको मैं भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष भी हूं और मैं आए दिन जाता रहता हूं लोगों के बीच में, अगर अल्लाह ताला ने मुझे वो मौका दिया तो मैं डिस्ट्रिक्ट के हर एक किसान के घर, डिस्ट्रिक्ट के हर एक मजदूर के घर और किसी भी कोई परेशानी अगर डिस्ट्रिक्ट में होगी तो मैं गाड़ी उठा करके डिस्ट्रिक्ट में आम जनता के बीच में बिल्कुल पहुंचूंगा, ये मेरा वादा है। सर, जैसे आपने बोला आप किसानों की सहायता करते हैं, आप उनसे मिलने के लिए जाएंगे, सर लेकिन अभी भी किसान की हालत बहुत ही खराब हो रही है, वो आए दिन आत्महत्या तक करते हैं, ऐसी क्या नौबत आती है कि उनको ये करना पड़ता है? मैम, हम वो मुद्दा उठा रहे हैं, परेशानियां कुछ सरकारों की हैं, सरकारें जो है किसान को इग्नोर कर देती हैं, इसलिए किसान को मुद्दा उठाना पड़ रहा है। अभी मैं आपको बता दूं कि विजय माल्या जी पे इतना बहुत सारा पैसा था सरकार का, तो विजय माल्या जी को तो सरकार ने जो था वो साइड वो दे दिया एयरपोर्ट से जाने का रास्ता और किसान को बेचारे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती है, तो ये थोड़ी दुश्वारियाँ जो है सरकारों की भी रही हैं। अगर हम लोग पहुँचे और अल्लाह ताला ने मौका दिया तो सरकार से एक संगठन बना करके हम बात करेंगे और किसानों के लिए जितना अच्छा बेहतर होगा हम पॉलिसी बना करके उन्हें बताएंगे और एक किसान आयोग की भी, अगर हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम एक किसान आयोग की भी संगठन गठित कराने की सरकार से कोशिश करेंगे। सर, जैसे कि अभी बीजेपी की सरकार है तो आप क्या बीजेपी की सरकार में जो चीजें हो रही हैं उससे आप सहमत हैं? देखिए मैम, सरकार कोई भी हो, बीजेपी एक नाम है लेकिन सरकार जो है वो आम जनता की है, लोगों ने ज्यादा ने वोट दिए हैं,
परसेंटेज में ज्यादा ने वोट दिए हैं, सरकार जनता की, नाम बीजेपी या समाजवादी, एक तो एक पार्टिकुलर नाम होता है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए वो सरकार बेहतर है जो लोगों के, ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा अच्छा काम करते हैं। जी 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 सर, आपका नाम बताइए। जाफर अली। सर आप यहाँ पे क्या करते हैं, क्या कार्य करते हैं? नहीं, वैसे तो मैं सिर्फ एडवोकेट हूँ। अच्छा। और याकूब को, मोहम्मद याकूब को हम लोगों ने खड़ा किया है, बहुत ही जुझारू नौजवान और मतलब एक जज्बा काम करने का है। ऐसे लोग बार में आने चाहिए, नेता होने चाहिए, मतलब हमारे लीडरशिप करें, जिनके दिल में एडवोकेसी के लिए, वकालत के लिए कुछ काम करने का जज्बा हो और अपनी बात कहने का सलीका भी हो। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एथिक्स के साथ एक पूरा प्रॉपर वे में जो ये काम करते हैं, इसलिए आपने उनको एक सीख दिया, आप उनके गुरु हैं। जी जी जी, इसलिए हमने खड़ा किया है और सब लोग, आप देख रहे हैं इतनी भीड़ है, सब लोग जी जान से, तन मन धन से इन्हें लड़ाएंगे। और अगर ये, और अगर ये पहुँचे एसोसिएशन में, अगर कमेटी में पहुँचेंगे तो कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। सर हम यही चाहते हैं कि जिन, जो इन्होंने बोला है वैसा ही आम जनता से निकल के आया और आम जनता के लिए ऐसा ही कार्य करें। सर लेकिन जो आम जनता अभी भी इतनी सारी प्रॉब्लम फेसेस कर रही है, आप ले लीजिए पेट्रोल की बात ले लीजिए, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर 80 रुपये पेट्रोल चल रहा है, क्या आम जनता अफोर्ड कर पा रही है? नहीं, आम जनता परेशान है। एक्चुअली भाजपा की कथनी और करने में काफी अंतर है, भाजपा की कथनी और करने में काफी अंतर है। कहती कुछ है, पहले तो ये था जिस टाइम इलेक्शन चल रहा था, चुनाव हो रहा था, कि हम पेट्रोल के दाम कम करेंगे, डीजल के दाम कम करेंगे, खाद पे दाम कम करेंगे, लेकिन उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से, और गैस पे भी उतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। जनता परेशान है, मतलब वो स्कूटर और मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर को अफोर्ड नहीं कर पा रही है, चला नहीं पा रहे हैं। सर अभी जो भाजपा सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर जीएसटी लागू किया, तो जीएसटी लागू करके आप आम जनता को समझा पाएंगे कि इसमें सर क्या उनका फायदा हुआ है? जीएसटी से एक लाइबिलिटी बहुत सारी बढ़ा दी, कागजी कार्रवाई बढ़ा दी है। अब जो जो काम करने वाला है, जो आदमी बिजनेसमैन है, वो काम करे या इतनी कागजी कार्रवाई करे, उसमें रात दिन उलझा रहता है, और वो बहुत हाई लेवल पर कर दिया वो। लागू जब जीएसटी लागू किया था, वन मैन वन टैक्स, ये चीज कही गई थी कि एक हम एक मत वो भरेंगे सर, लेकिन जब इसके बारे में क्या है? इसी वजह से अगर जीएसटी के अंदर ये हो जाए तो मतलब इसके कंट्रोल हो जाएगा फिर इसके ऊपर भी। और एक खास बात पेट्रोल के बारे में बता दूं, क्योंकि वहाँ से जो क्रूड ऑयल आ रहा है, जो कच्चा तेल आ रहा है बाहर से जो आ रहा है, उसकी कीमत पहले से कम हुई है और सरकार बढ़ा दी जा रही है। ये माना जा रहा है आंकड़ों के मुताबिक सर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सबसे कम है, कच्चे तेल की कीमत सबसे कम है, लेकिन फिर भी पेट्रोल हम 80 रुपए यहाँ पे 80 रुपए चल रहा है। तो इसमें सरकार कम से कम, मतलब ये पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 3540 रुपए होना चाहिए, बाकी सरकार के खाते में जा रहा है, थोड़ा तेल कम खाते में जा रहा है, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के मतलब रेशियो के हिसाब से जाता है। तो सर अगर अगर हट जाए और जीएसटी के अंदर आ जाए, तो आम जनता को कितना कितनी कीमत में पेट्रोल मिलेगा? वैसे आम जनता को, लेकिन सरकार की नियत के ऊपर बात है ना, सरकार अगर पेट्रोल के हिसाब से जो बाहर से मिल रहा है उसके हिसाब से कीमत घटाए तो जनता को बहुत फायदा होगा, लेकिन अगर सरकार वहाँ से 2 रुपए लीटर दे रही है और यहाँ पे जो है वो 10 रुपए लीटर बेच रही है, यही सर आपने जीएसटी लाया तो सब अगर जीएसटी में आप एक ही लेना चाहते थे कि टैक्स भरे, फिर भी उन्होंने नहीं लाया पेट्रोल और डीजल। जी जी, भारत सर मंडे को बंद हुआ था, इसी के कारण बंद हुआ था, इसमें आपकी राय क्या है? इस बार मैं जनता जागरूक है, वैसे जनता स्पष्ट कर रही है और आप इन्हें समझा भी रही है, लेकिन सरकार के काम पे कोई जीने नहीं। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जनता के लिए भला होगा? हाँ, बिल्कुल भला।